बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स जिसके थ्रू आप एज अ मेडिकल नर्सिंग स्टाफ सर्व कर सकते हो मेडिकल फ्रेटर्निटी को। और अगर बात करें मेडिकल स्टाफ जो हमारा नर्सिंग वाला पूरा होता है तो उसकी भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। सो आज बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, कौन से आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एंड इस तरह की बाकी सारी चीज़ें लाइक यहाँ पर हॉस्टल का जो फैसिलिटी होता है एंड जितनी भी तरह की चीज़ें मैं सब कुछ कवर करूँगा इस वीडियो में। एंड आप में से जो लोग भी नए हैं मेरे को नहीं जानते हैं, सो या आई एम अनुज सिंह, सेकेंड MBBS प्रोफेशनल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। सो गाइस सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू सो मच टू यू ऑल। सबसे पहले अगर बात करें कि जो कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का इसका ड्यूरेशन कितना है, सो या कोर्स का ड्यूरेशन टोटल होता है 4 ईयर्स का एंड इसका जो एग्ज़ाम होता है ये बेसिकली अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी ही करवाती है और जो एग्ज़ाम का नाम है वो है CNET, दैट इज़ कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम जो होता है ये बेसिकली अटल बिहारी यूनिवर्सिटी करवाती है। एंड अगर इसकी बात करें कि इसकी फ़ीस कितनी होती है तो बेसिकली ये 3000 होती है फॉर जनरल एंड अगर बात करें ST और PW के लिए तो ये होती है 2000। सो इस तरह से ये फ़ीस होती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसमें सब्जेक्ट्स का यू नो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होते हैं तो या ये जो बाकी हमारा जनरल के लिए होता है ये होता है 45% यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। एंड उसके बाद जो बची हुई कैटेगरीज हैं लाइक OBC SC ST तो इन सब चीज़ों के लिए होता है डेफिनेटली 40%। तो 5% कम होता है OBC ST SC और PWD के लिए तो इनका 5% कम होता है। ये हो गई हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन जब मिल जाता है यानी कि जब आप अपना फाइनल यू नो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवाने आते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो बेसिकली MBBS वाले ही होते हैं सेम ऑलमोस्ट। एंड जो फीस है वो है 40,000 पर ईयर एकेडमिक फीस। एंड उसके बाद हॉस्टल एंड बाकी जो मेस की फैसिलिटी है वो तो आपके लिए यहाँ पर है नहीं इस 2023 से, सो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पर बैचेस हैं ऑलरेडी 2 बैचेस आ चुके हैं यानी कि 2023 में इस साल जो यहाँ पर आया है बीएससी नर्सिंग का वो सेकंड बैच आया है, 2024 में जो आएगा वो आएगा थर्ड बैच। सो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, हॉस्टल्स यहाँ पर मिलते नहीं हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें लाइक यहाँ पर जो हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कि हॉस्पिटल बहुत पास में है तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपको यू नो जो मेन एकेडमिक ब्लॉक होता है जहाँ पर आपकी क्लासेस होती हैं उसके बहुत पास रहता है तो जो आने जाने का टाइम होता है वो सेव होता है कहीं ना कहीं। एंड आगे आने वाले ईयर्स के लिए यू नो थोड़ा सा जब हेक्टिक होती है पढ़ाई उस समय भी ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो हॉस्पिटल बहुत ही पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जस्ट बगल में ही है एकेडमिक ब्लॉक के। एंड मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका जो भी डिस्टेंस है वो आपको अप्रॉक्सीमेशन एक मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरी थी बताना आप लोग को। और बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए और भी अगर कोई चीज़ आपको जाननी है तो आप मेरे को या तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यहीं पर टैग कर सकते हो, मैं आपको श्योर आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड मेरा ये टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, इसके थ्रू आपको प्रॉपर जो ब्रोशर है बीएससी नर्सिंग का वो मिल जाएगा जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी यू नो मैंने बता दी हैं बट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो इतना ही आज के लिए रखते हैं, इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं और ज़्यादा चीज़ें बताऊं तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके लिए। और मिलते हैं गाइस बस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।